हम अभी कर्नाटक का, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है रामनगर, रामनगर करके, वहाँ पे एक नदी है, बहुत बड़ा है नदी, वहाँ पे हम जा रहे हैं देखने को, बताने के लिए, बहुत अच्छा है देखने में। उधर बाइक पे लेके जा रहा है, आपको दिखाएंगे, एक नंबर एक्सपीरियंस प्लेस है उधर, उधर बाइक लेकर के जा रहा है, कर्नाटक में आता है वो, ऐसा भी कर्नाटक का बहुत डेवलपमेंट है, और वो जा रहा है त्रिवेणी बोलता हूँ, बहुत अच्छा है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी हम बाइक पर जा रहे हैं, वहाँ जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसा होगा क्या होगा, फिर बताऊँगा उधर जाएंगे आपको। देखो देख सकता है कैसा झाड़ी इधर दिख रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो कैसा दिख रहा है। देखो ज़्यादा नारियल है इधर, नारियल बहुत, ये डिस्ट्रिक्ट में ना रामनगर बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट में बहुत नारियल है, जो कर्नाटक में कितना नारियल गिर मिलता है ना, इधर से नारियल जाते हैं सभी को, जी आएगा किसान से भी नारियल बचाता है, ऐसा खेती बाड़ी नहीं जाए, हम ऐसा जा रहे नारियल। एक नंबर रोड है इसमें जाने के लिए, बहुत ग्रीन है, ग्रीन मतलब ग्रीन, कितनी भी देखो बहुत ग्रीन, नारियल का झाड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, देखो ऐसा एक्सलेंट प्लेस है, हम तो जहाँ देखने देखने के लिए जा रहे हैं ना, बहुत अच्छा प्लेस है देखने, देखो कैसा दिख रहा है, तो देख सकते हैं नारियल झाड़ आ गए, पूरा नारियल का झाड़ है, देख लें मेरे बहुत ग्रीन, देखो नारियल झाड़ आ गया, और जा रहा है देखो बटर मिल्क पी रहा है अभी इधर के, नीचे जाने वाला है अभी, बताऊंगा मैं आपको कैसे को। नीचे अभी जाने वाला है बटर मिल्क पी के भी नेक्स्ट। जा रहा नीचे उतर रहा है, देखो अभी ऐसा भी, चलो जाएंगे किसे आ गया, ये वाला जो मेरा है ना दोस्त है, दोस्त बेचारा, बताएंगे भी फॉल्स के पास जा रहा है मैं, बहुत इंटरेस्टिंग देखने वाला है जाके, देखो पानी पानी दिखने जा रहा है अभी, नीचे से आ रहा है, चलो देख इधर से आगे माते वार्ड आसा नहीं, बताएंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी नीचे जाने वाला है, चलो अभी इधर से नहीं है पीछे से जाएंगे, देख सकता है नीचे जा रहा है, नीचे 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 जा रहा है, ये वाला है ना, वो वाला बंदा, वो वाला मेरा दोस्त है, उसको लेके जा रहा है, और देखो बारिश दिख रहा है, देख सकता है, देखो वहाँ पे फोटो ले रहा है, देखो टूरिस्ट वहाँ पे फोटो ले रहा है, जा रहे हैं, जा रहे हैं नीचे लेके जा रहे हैं, थोड़ा रुका ये देखेंगे, अभी बताता हूँ, देखो कैसे नीचे जा रहा है अभी, ये देखो सुपर चुंची फॉल्स दिख रहा है ना, ये जो कावेरी नदी का आता है, कावेरी नदी से इंक्लूड होते हैं ये फॉल्स बनता है, कावेरी नदी कर्नाटक में मतलब बहुत बड़ा नदी है कर्नाटक में, और कावेरी नदी से दो स्टेट्स मिलता है, एक तमिलनाडु और कर्नाटका को, ये तमिलनाडु जो जो कावेरी नदी का पानी कर्नाटक, कर्नाटक से कावेरी नदी बन जाता है ना, तो कर्नाटक में बहुत झगड़ा चलता है इधर, ऐसा बताया मैंने, देखो इधर से जो कर्नाटक में कावेरी नदी आता है उसको बहुत झगड़ा चलता है कर्नाटक में, ऐसा जो कावेरी नदी से तमिलनाडु और कर्नाटक से, तो कर्नाटक वाला क्या क्या बोलता है, कर्नाटक तमिलनाडु को पानी मिलेगा ना, ऐसा तो बहुत यहाँ पे झगड़ा चलता है इसी पानी की वजह से, तो बारिश बहुत कम आएगा ना, तो ज़्यादा यहाँ पर पानी नहीं है, थोड़ा सा जे मतलब थोड़ा सा छोटा पानी बहुत कम आ रहे हैं, ये वाला फॉल्स है, देखो देख सकते हैं नीचे हमको जाने को नहीं दे रहा है, नहीं तो नीचे हम लोग जाने वाला था, अभी इधर इतने बता रहे हैं, देखो देख सकते हैं ये पानी से जाएगा आगे तमिलनाडु तरफ जाएगा पानी, तो कर्नाटक वाला क्या बोल रहा है कि इस पानी को मतलब तमिलनाडु को देने का नहीं है, और कर्नाटक में हमारा जो कर्नाटक में किसान वगैरह है ना उन लोगों के लिए बहुत पानी कम है कर्नाटक में,
किसानों खेती बाड़ी करने के लिए, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने मतलब बहुत सही चला था यहाँ पे, देख सकते हैं नदी के विचार है हम लोग इधर, बहुत नदी है, जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, जंगल कहाँ चल रहा है अभी। देखो इधर मछली बना रहे थे, कैसे त्रिवेणी संगम में मछली है, बहुत मछली मिलता है इधर ना, मछली के लिए खाने के लिए मिल गया, तो नदी का सामने ही है इधर, देखता है बना के दे देगा, इधर सस्ता में सस्ता मिलता है, ऐसे भी बहुत सस्ता है इधर खाने के लिए, बना रहा है इधर में, एक लिया था खाने के लिए, देख के टेस्ट देंगे इधर का मछली कैसा होगा देखेंगे, इसलिए बना के इधर टेस्ट देंगे कैसा होगा, दे रहा हूँ अच्छा है, जितने में टेस्टी है, टेस्ट हाँ बहुत अच्छा है, देख कभी आ गया इधर बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तीन नदियों का मिलन नदी बोलता है ना, इधर यार कुछ मार फोटो एक खेल गया फोटो काटा जी, ये देखो मार फोटो काटे, अभी जा रहा है देखेंगे, देखो फॉरेनर्स भी इधर आए ऑलरेडी, फॉरेनर्स मान रहे, देखो फॉरेनर्स इधर है, देखो इधर एक नदी है, ये वाला एक नदी है, उस तरफ से एक आ जाएगा और ये वाला एक नदी आएगा, देख तीन नदी इधर आएगा ऐसा आता है, ये वाला एक नदी है तो वो उसको बोलता है, ये वाला अर्कावती नदी है और ये वाला कावेरी नदी है और ये वाला घटप्रभा नदी है, तीन नदी यहाँ पे मिलते है, देखो इधर से ये स्पॉट है, त्रिवेणी संगम बोलते है ना, तीन नदियों का मिलन इधर होता है, इसको त्रिवेणी संगम बोलते है, देखो देख सकते हैं, ये देखो फॉरेनर्स आ रहे हैं, देख सकते हैं क्या, देखो फॉरेनर्स, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए नहाएंगे, देखिए पानी बहुत ठंडा है, देखो एक तरफ से फोटो मस्त कर रहा है, हाँ फोटो मस्त कर रहे हैं यार, बोल रहा ये देखे, ये वाला नदी ऐसा पानी आ रहा है, ये वाला नदी का पानी बताऊंगा, देख और एक बताऊंगा बहुत अच्छा से, ए वो इतने बड़ी भारी ही कर रहा था ना, ये वाला एक नदी है, इसका एक कावेरी नदी है, ये वाला घटप्रभा नदी है, ये वाला अर्कावती नदी है, तीन नदी यहाँ पे होता है, मछली है, मछली मछली बताएंगे तो कैसा रहे मछली, अरे मछली बहुत आ रहा है इधर, हम यहाँ पे नहाएंगे अभी जाएंगे नहाने के लिए जा रहा है, माय माय थोड़ा से देखो ये इसको क्या बोलते हैं, मतलब तीन नदियों का मिलन ना, मतलब कोई भी पाप पुण्य करो तो इधर आके नहाएगा तो जाएगा ऐसा, कोई भी वो चला जाएगा ऐसा, इसका मतलब बहुत पुरानी है, क्योंकि तीन नदी मिलता है ना, तो इसीलिए इसका बहुत पुरानी लिखा है ऐसा, तीन नदी का पानी इधर आता है, तीन नदी का पानी से बहुत अपरूप से मिलता है इधर, तो इसलिए ऐसा बताया, देखो तीन नदी में आता है, ये वाला है और ऐसा ये वाला एक आएगा और ये वाला है, तीन नदी है इधर, तीन नदी का पानी हम लोग यहाँ पे नहाने के लिए जा रहे हैं, चलो देखो अभी नहा रहा है, कहानी बोला था ना भूसा ये, तो अभी हम लोग यहाँ पे नहाएंगे, जो हमारा पाप पुण्य क्या है सभी यहाँ से दूर चला जाएगा, जय श्री राम, तीन नदियों का मिलन, इसका नारा है बहुत अच्छा है नहाने के, तो इसका कुछ भी देखेगा तो अच्छा है, मतलब देखने में नहाने में बहुत ज़्यादा पानी ठंड में नहीं है और नहा सकता है, सब कुछ ज़्यादा नहीं है, पानी इधर आ रहा है, ये वाला नदी का पानी इधर आ रहा है, उसका नदी इधर मिलन रहा है, बाकी पानी कैसे जाएगा, अलग अलग मिलन होता है, तो ऐसा चलेगा पानी, ये ऐसा पानी आएगा तो ऐसा चला जाएगा, इसका पानी ऐसा चला जाएगा, तो इसका पानी ऐसा जा रहा है,
यूनो पानी का जगता है शायद ऐसा जगह कावेरी नदी।